our dear students, today we are going to discuss our yesterday's lesson to continue it, Long Walk to Freedom by Nelson Mandela of class 10th English. You will open your book at page number 32, first paragraph. The day had come about through the unimaginable sacrifice of the thousands of my people, people whose sufferings and the courage can never be counted or repaid. Their day had come about through the unimaginable sacrifices. और ये वक्त मुझे भी याद है जिसके लिए हजारों लोगों ने कुर्बानी दी है और मैं कभी नहीं भूलूंगा, और जो लोगों ने इस दौरान मुश्किलात झीले उसको भी मैं इनको इसके लिए बदला दिया जा सकता है और हम ये कभी नहीं भूलेंगे. आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव सो मैनी अदर डेज, आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज. और मुझे याद है जब मैं यहाँ अब मैं इस वक्त जो हूँ वो इन ही लोगों के हैं जो बहुत से हैं, ये मेरी वजह से नहीं है. एंड आई वॉज सिंपली अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, जिन्होंने अपने जाने गंवा दी मुझसे पहले. एंड दे हु टेक पार्ट इन दिस फ्रीडम स्ट्रगल, हु गॉट मार्टियर्ड, हु गेव देयर हु सैक्रिफाइड देयर लाइव्स, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी. और अब मैंने भी इसमें शमूलियत की. आई वॉज पैनड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम ऑल, दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट द सेक्रीफाइस हैड. और मैं आई एम वेरी शॉकड, और मुझे ये दुख हो रहा है कि उन्होंने नहीं देखा कि इनकी इस कुर्बानी ने क्या रंग लाया कि साउथ अफ्रीका पे फिर से आज़ादी का सूरज तुलू हो गया. The policy of the apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. The policy of apartheid is ये जो समाजी नाइंसाफी की नाबराबरी थी, इसने क्या कि it has divided the people. It has created the deep and long lasting wound. इसने एक ऐसा जख्म दिया था हमारे समाज, हमारे मुल्क और हमारे लोगों को जिसको भरा नहीं जा सकता था. All of us will spend many years, if not generations, recovering from the profound. अगर हम ये जख्म नहीं भर पाएंगे कुछ ही दिनों में, लेकिन if not generation recovering from the profound, मुझे लग रहा है कि शायद सदियां भी बीत जाएंगे इस जख्म को बराबर करें. डीप प्रोफाउंड, हम वेरी डीप प्रोफाउंड हर्ट, प्रोफाउंड वेरी डीप. But the decades of the profound oppression and the brutality had another unintended deep and strong effect. That was what produced the Oliver Tambo's. और कहता है कि ये जो हम देख रहे हैं ये किन के जरिए से हमने, जिन्होंने अपने जानों को कुर्बान किया है, they were produced the Oliver Tambo's. और इसी ऑपरेशन के जरिए ये उन्होंने जन्म लिया. जब किसी सोसाइटी में ऑपरेशन होती है तो वहाँ इसके खिलाफ लोग उठते हैं, इसके खिलाफ जवान उठते हैं, जैसे ओलिवर तांबूज, द वाल्टर सिसिलस, द चीप लिथुलस, द यूसुफ दादूज, द ब्रैम फिशर्स एंड द रॉबर्ट सबुक्विज ऑफ आवर टाइम्स. क्योंकि ये लोग जो थे, आप इनकी शक्लें भी देखेंगे, उन्होंने इस फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया है, इस फ्रीडम स्ट्रगल ने इनको जन्म दिया है. मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉरेज, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन. और उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया है और हमारे लिए आज़ादी का सूरज दिखाया. परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स द हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. शायद ये जो ऑपरेशन है इट क्रिएट्स द परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थस ऑफ ऑपरेशन. शायद इतना जुल्म हुआ है कि इट क्रिएट्स द हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. द हायर द ऑपरेशन, when there is deeper the it creates the heights of the character. My country is rich in the minerals and the gems that lie beneath its soil. Mera jo mulk hai isme heere jawaharat hai. I have always known it's the greatest wealth people. Lekin mujhe lag raha hai, jo main janta hu ki hamara mulk jo hai heere jawahar mein kafi ameer hai, lekin hamare heere jawahar, hamari jo daulat hai, that is people, our ye jo hamare log hain, finer and truer than the
प्योरेस्ट डायमंड्स, और ये जो द लॉयल पीपल, वफादार लोग जो हैं हमारे मुल्क के जो लोग हैं, ये इस वतन अजीज के लोग जो हैं, दे आर द प्योरेस्ट डायमंड्स. इट इज फ्रॉम दीज कम्युनिटीज इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ द कॉरेज. और इन्हीं से मैंने ये जो हिम्मत है, कॉरेज है, इसका माना मैंने सीख लिया. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. तो लोगों ने, औरतों ने भी इसके लिए एक 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 नजरिए के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया. I have seen men stand up attacks and torture without breaking, showing the strength and resilience that defy the imagination. मैंने लोगों को ये जो that stand up to the attacks, जो इन जो हमले हो रहे थे समाज पे, इसके खिलाफ वो सीना सिपर होकर उन्होंने अपनी ताकत को कायम रखा और हमें आज़ादी दिलवाई. आई लर्नड दैट कॉरेज वॉज नॉट द एबसेंस ऑफ द फियर बट द ट्राई फॉर इट. और मुझे, और मैं ये भी समझता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ दैट कॉरेज वॉज नॉट द एबसेंस ऑफ फियर. ये जो कॉरेज है, ये हिम्मत, ये इस खौफ का न होना नहीं है, बल्कि ट्राई फॉर द फियर. लेकिन खौफ को जीतना है, डर को जीतना है, लेकिन डर का खौफ न होना, बल्कि डर को जीतना है. The brave man is not who he does not feel afraid. लेकिन अगर हम सोचेंगे, ये जो बहादुर आदमी वो नहीं है जो डरता नहीं हो, लेकिन वो है one who he conquers the fear. लेकिन जो जो इस डर को क्या करता है, जो इस डर को इस पे फतह पाता है, वही उसी को हम बहादुर कहते हैं. So I think this is enough for today. Thanks.